मैंने बोला इसी बस में जाना कि ना आगे आ थोड़ी ना आएगी वह बहन डर गई बहन डर गई। ये पीने का पानी है और ये नहाने का पानी है ना, और यहाँ धुल रही बाइक। ये देखो नीचे मेला लगा हुआ है और हल्ले के सिवा कुछ नहीं यहाँ पे। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अदर व्लॉग। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं हिमाचल और वहाँ पे है मेला, तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल विकास नगर। तो आज आपको वीडियो में जो है रिएक्शन भी तगड़े तगड़े देखने को मिलेंगे। और जग्गू भाई, क्या हाल चाल? ओ कहाँ गया वो, चले? तो भाई सब हम निकल रहे हैं हिमाचल के लिए। अभी हम पहुंचने वाले हैं हरिपुर। बहन डर गई बहन डर गई। सो गाइस, ये है अपनी ड्यूक 200 और 200 NS और R15 V3। सब कुछ करवा लेगा तू अभी। तो भाई साहब, आज चल रहा है खतरनाक वाला स्पीड टेस्ट। गाइस, यहाँ से चल रही है अपनी खतरनाक स्पीड और ये आ गया अपना टिम्मा ब्रो। तो गाइस, रोड है खतरनाक। ओ आगे कुत्ता भी है। तो ये थोड़ा कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया है यहाँ से, उसमें काफी गड्ढे हैं इधर। तो गाइस, आज आपको मिलेंगे खतरनाक वाले रिएक्शन देखने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास 3 गाड़ियाँ चल रही है साथ में। आज मेले में जो है खतरनाक वाले रिएक्शन आएंगे। और फिलहाल अभी हम पहुंचने वाले हैं त्यूनी। भाई रोड तो बिल्कुल, कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखा है, साइड से ले जाने पड़ेगी। सो आगे चल रहे हैं जग्गू ब्रो और बीच में मैं हूँ, और सबसे पीछे चल रहा है सौरभ, क्योंकि यहाँ रोड की स्थिति थोड़ी ऐसी है। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं माशु, और वहाँ से सौरभ जो है चल जाएगा, ये हमें मेले में ही मिलेगा। और हम निकलेंगे वहाँ से शाम को, क्योंकि अभी है जो काफ़ी ज़्यादा धूप हो रखी है, तो इसलिए हम थोड़ा लेट जाएंगे। ओ भाई, यहाँ पे पूरे रास्ते में यार ऐसे ही पानी भरा हुआ है, 2-3 दिन से जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इस वजह से सारे में जो है पानी
इकट्ठा हो रखा है और आज मौसम भी थोड़ा ठंडा ही है। और बाकी यार रोड आप देख ही सकते हैं कैसी हालत है रोड की। और गाइस एक बार आप व्यू चेक करो, ये देखो कितना खतरनाक यहाँ से व्यू आ रहा है। और सामने भी घर पूरे गांव वगैरह है उधर भी, और यहाँ से पूरी जो है नीचे ढांग है, एक नंबर व्यू है यहाँ पे। तो यहाँ से देखो यार, और बारिश की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा इधर, ये देखो पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से, यहाँ पे पत्थर कभी भी गिर सकते हैं। तो अभी मेरे GoPro में भी ज़्यादा बैटरी नहीं है, तो मैं इसको, वहाँ पे मेरी मौसी का घर है तो मैं इसको चार्ज पे लगा लूँगा, फिर हम यहाँ से शाम को निकलेंगे और फिर दिखाएंगे आपको मेले में जो है खतरनाक वाले रिएक्शन। और बाकी यार मेला तो ऐसे ही है, हम तो सिर्फ घूमने की वजह से आए हैं। चलो वहाँ चलते हैं। तो भाई यहाँ से जा रहा है सौरभ, ठीक है फिर फोन करूँगा मैं। तो हम निकलेंगे यहाँ से शाम को। तो गाइस अब हम निकल गए हैं यहाँ से, इसी बस में जाना है। कोई ना। मैंने बोला इसी बस में जाना कि ना आ गया थोड़ी ना आएगी, वह आनी है कि वह। गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं जाखना, और ये यहाँ पे जाखना का छोटा सा मार्केट आने वाला है। शाबाश। तो ये था जाखना का मार्केट, और अब यहाँ से होएगा पूरा रास्ता तो ये खतरनाक स्टार्ट। यहाँ पे पूरा चीड़ वीड़ का जंगल है सारे में, तो यहाँ से स्टार्ट होता है चीड़ का पूरा जंगल। काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा है गाइस यहाँ पे, ये रहा चीड़ का जंगल पूरा। और रोड देखो कितनी छोटी है। तो भाई इतने तो धुएं निकालते उसमें से। तो यहाँ पे चल रहा है गाड़ी का काम, धोले धोले अच्छे से धोले। ये देखो नेचुरल पानी है। अबे कहाँ से आ रहा है इतना सारा पानी, इसमें से, इधर से? और ये जो छोटा सा है वो पीने के लिए। अच्छा ये पीने का है ना यार, ये पीने ना, ये तो होगा पीने के लायक लेकिन पीना नहीं। ये पीने का पानी है और ये नहाने का पानी है ना। अरे यहाँ धुल रही बाइक, यो बाइक के लिए। अभी हम चल रहे हैं मेले, और पब्लिक जो है भर भर के जा रही है भाई पूरी एकदम। तो गाइस अभी हम पहुँचने वाले हैं, बस सामने ही जो है मेला लगा हुआ है। भाई यहीं से जो है रिएक्शन आना स्टार्ट हो चुके हैं।
यहाँ से पहले करते हैं सौरभ को फोन। गाइस वहाँ पे नीचे लगा हुआ है मेला और अब हम जा रहे हैं वहीं पे। तो यहाँ से है मेले का रास्ता जो है स्टार्ट। देखिए गाइस रिएक्शन। तो गाइस ये रहा मेले का रास्ता और देखो यार कितने सारे लोग जो है जा रहे हैं। नीचे मेला ये देखो नीचे मेला लगा हुआ है। रास्ता पर बहुत खराब है। गाइस ये रहा अपना मेला। ये देखो व्यू। ये रहा कुछ इस तरीके का मेला है और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से घर। भीड़ देखो चेक करो गाइस कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे और हल्ले कैसे हो आप सुनिए यहाँ पे। गाइस अभी निकलते हैं हम यहाँ से। क्या सीन है। बे शिट तो भाई बुरे फंस गए थे जाम में। So guys, अभी हम पहुंचने वाले हैं घर पे और फिलहाल अभी यहाँ से जो है घर 1 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे जो है बाइक नहीं जाती है तो हमें यहीं पे थोड़ा ऊपर गांव है वहीं पे बाइक खड़ी करके फिर वहाँ से हम पैदल जाएंगे। तो फिलहाल अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।